प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। इसके लिए देशभर में कई जगहों पर तैयारियां चल रही हैं। इसी कडेड ही में अजमेर शरीफ दरगाह में एक विशाल शाकाहारी भोजन का आयोजन किया जाएगा। दरगाह की इस ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध बड़ी शाही देग में 4000 किलोग्राम भोजन तैयार किया जाएगा। यह सेवा पखवाड़े के दौरान आयोजित की जा रही है। असल में अजमेर शरीफ के सैयद अफशान चिश्ती ने बुधवार को घोषणा की कि इस दिन 4000 किलोग्राम शाकाहारी भोजन का वितरण किया जाएगा। यह भोजन शुद्ध चावल, घी और मेवों से तैयार किया जाएगा और गुरुजनों एवं गरीबों को अर्पित किया जाएगा। सबसे बड़ी देग कहलाती है और सबसे बड़ी हांडी मानी जाती है, जिसमें पिछले 550 साल से शाकाहारी लंगर आज तक तकसीम होता चले आ रहा है। इसका पूरा इंतज़ाम और देख रेख जो हमारी खुदाम ख्वाजा साहब की जमात है, हमारी जो खुदाम कम्युनिटी है, वो करती है और उसी की जानिब से वो लंगर तकसीम किया जाता है। ये ऐसा इस देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह की जो बड़ी देग है उसके अंदर सेवा के रूप में बड़ी देग का लंगर तकसीम किया जाएगा। और ये जो देग है इसके अंदर हम आगामी 17 सितंबर को 4000 किलो शाकाहारी भोजन, जिसमें चावल होगा, असली घी होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे और उसका हम लंगर बनाकर यहाँ जो डिवोटीज़ हैं गरीब नवाज के उनके अंदर भी तकसीम करेंगे। साथ ही जो हमारे यहाँ के आसपास के जो गुरबा लोग हैं, गरीब जमात हैं, उनको भी लंगर सेवा के रूप में खिदमत खल के तहत तकसीम किया जाएगा। पीएम साहब के हक में उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सगा गरीब नवाज की बारगाह में उनकी सेहत सलामती लंबी उम्र के लिए दुआ भी करेंगे। इस पूरे लंगर का जो आयोजन है वो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ की जानिब से ये किया जा रहा है। और जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बारगाह है, जब यहाँ उर्स होता है तो हर वर्ष ख्वाजा साहब के उर्स में पीएम साहब अपनी ओर से चादर भी भेजते हैं। उस चादर को भी जो खुदाम समुदाय है वही गरीब नवाज की बारगाह में पेश करता है। इस बारगाह से हमेशा हर वक्त में हर दौर में मोहब्बत का, अमन का, सेहत सलामती का, मुल्क की खुशहाली का दुआ और पैगाम जाता है। और हम आगामी 17 सितंबर को भी हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली, हमारे मुल्क में जो हर मज़हब के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी मोहब्बत कायम दायम रहे और हमारे मुल्क में अमन चैन और अमन चैन कायम रहे, हमारा मल खुशहाल और उन्नत रहे, ये दुआ करेंगे। सैयद अफशान चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह अजमेर शरीफ।